समय आ गया है, जागो महिला जागो। इसलिए हमारी भागीदारी, हम वन तिहाई नहीं चाहते, इतना ही पे हम नहीं मानते, हमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, 50% अधिकार महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और हमें जो सुविधाएं जो अभी तक सुविधाएं नहीं मिली हैं, जैसे दादा ने बताया कि प्रोविडेंट फंड और हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का जो सुविधाएं पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो मुहैया वेंडरों को कराया है, वही हम दिल्ली सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमें भी दिल्ली में भी, हाँ वही हमें सुविधाएं यहाँ दिल्ली में भी दी जाए हमारे वेंडरों को, अब हम जिससे कि हमारी महिलाएं आराम से जो कि कमा के हमारे बच्चों को सुविधाएं प्राप्त करें। और जो हमारी महिलाएं बहनें जो कि सुबह 4 बजे से उठ के सब्जी मंडी जाती हैं, सामान लेके आती है होलसेल मार्केट में, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कपड़ा बाजार में हो, चाहे कोई भी, हर बाजार में हर चीज बिकती है, जिससे कि हर चीज जो बेचती है महिलाएं, वो सुबह उठ के जाती हैं, फिर हम सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक हमारी महिलाएं काम करती हैं, उसके पीछे बहुत संघर्ष है, घर संभालती है, बच्चे संभालती हैं और अपने पूरा परिवार संसार को भी बांध के ऐसे रखती हैं कि इतनी सरलता से, इतनी दुख सह के भी सरलता से वो अपने चेहरे पे कभी भी दुख झलकने नहीं देती है, हर हमेशा हर हाल में वो उस खुशी दिखाती है सामने की, मुस्कुरा के कि हमें कभी भी दुख नहीं है। क्या बताओ हमारे को क्या दुख नहीं है, है, लेकिन हमारी परेशानियां हमी को हल करनी है, हमारी जो सुविधाएं हैं उसको हमें लेके, तो हमारी महिलाओं का जो अधिकार है उसे लेना है। और जो हमें अभी तक, इसीलिए महिलाएं जो अभी तक हम लोग जागरूक नहीं हैं, इसलिए हमें जागरूकता लानी है और अधिकार लेने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और बढ़ना होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।